हाय, मेरा नाम राज, ईसी टेलीकॉम से स्टूडेंट हूँ मैं। और ये एमआई का हैंडसेट है, रेडमी 5। इस पे मोबाइल में कस्टमर ने वाटर डैमेज, पानी में गिरा था कस्टमर के हाथ से, और मेरे पास हैंडसेट लाया उन्होंने तो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही थी। मैंने जब हैंडसेट खोला, यहाँ से ये कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये बूस्ट कॉइल, और ये कैपेसिटर, यहाँ से एक जम्पर मारा, इसका कॉम्बो मैंने निकाला डिस्प्ले, ये देखो डिस्प्ले मैंने निकाला है हल्के से, और ये पत्ता है इधर डिस्प्ले का, ये दिख रहा है नहीं इधर, ये मतलब एनोड, मतलब इसका प्लस पॉइंट ये हुआ, कैथोड कैथोड मतलब माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ से मैंने एक जम्पर दिए है ये एनोड को, यहाँ से जम्पर लिया, यहाँ से दिया, फिर लाइट आ गई, ये देखो मैं लाइट आपको लगा के देखता, ये देखो ये देखो, लाइट इसकी जल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका वाटर डैमिंग पानी जाने की वजह से ना, ये इधर छेड़छाड़ नहीं करने की, ये मैंने पूरा सर्किट चेक किया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं डिस्प्ले में पानी जाने की वजह से, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही थी। इधर ये सॉकेट है ना, इधर थोड़ा ये सॉकेट 2 पॉइंट निकले हुए थे पानी की वजह से, कार्बन की वजह से वो टूट गए, यहाँ से जम्पर दे सकते हैं हम एनोड तक, प्रॉब्लम सर होता है। थैंक यू। बता सकते हैं। और सबसे बस मैं एक बात बताता हूँ, खास आपने यहाँ पे एक चीज क्या नोटिस की कि जो आपको आ रहा है वो तो आपने अपना एक्सपीरियंस लगा लिया, बाकी आपको बाकी आपके जो साथी आए हुए यहाँ पर वो भी तो काफी सालों से एक्सपीरियंस से भी हमें नॉलेज बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला कि नहीं मिला, मिला है ना जो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सर आप नहीं पूछ पाए वो पूछ लिए, वो पूछ लेते तो हैं। ये हमारा एक तरह से ग्रुप में बहुत ज्यादा हमें सहायता मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है जो जो सिखा दिया वो सिखा सिखा दिया, दिए उसके अलावा फिर नहीं होता है, फिर बहुत सारी चीजें हम हमारे साथियों से भी सीखते हैं, जैसे सर तो बताते हैं और बहुत सारी बात करने करने में कुछ नई चीज नई ट्रिक मिल जाती है हमें, और यहाँ पे रात भर आप लोग मेहनत करते हो। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे या 3 घंटे की? 8 घंटे। 8 घंटे की क्लास और होती 8 घंटे है। में कुछ लिखवाया, किताब कॉपी नहीं कुछ नहीं लाते हो आप कुछ लोग यहाँ पर? नहीं, यही 8 घंटे में पूरा ही आ जाता था, दिमाग में ही फिट हो जाता अच्छा था। है। ये बताओ कि जो जीटेक और यूएफए की प्रोग्रामिंग सीखे तो अभी आप घर जाके कर पाएंगे या नहीं? आराम से कर लेंगे। कोई आईसी लगा सकते हो? नहीं, पेस्टेड आईसी जो है, ब्लैक पेस्टेड हो चाहे कितने भी हार्ड हो, किसी भी प्रकार बिना बहुत आईसी को निकाले ईएमसी पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान सकते हैं, अगर तरीके हैं उसके, नंबर रहता है, नंबर नंबर रहता है, अपने पाथ नंबर पढ़ना आता पाथ है नंबर पढ़ लेंगे, है ना? हाँ, चलो ठीक है। थैंक यू। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? सर लुकमान भुट्टो। और कहाँ से आप? एमपी से हूँ सर। एमपी से हो? आप ये बताओ कि दिल्ली क्यों नहीं गए आप, अलग अलग शहर बड़े बड़े क्यों नहीं गए, हमें क्यों चुना आपने? सर बहुत से यूट्यूब चैनल सर वीडियो देखे, उसमें हाँ इतना कुछ समझ में नहीं आया जितना जो एशिया टेलीकॉम का क्लियर था सर एमएनसी। अच्छा, आप जो अभी रिव्यू दे रहे हो यही तो रिव्यू देखे हैं आपने? जी सर। तो बाकी लोगों के जो रिव्यू देखते थे तो आप क्या लगता था, फेक में है ऐसा समझ कुछ? में नहीं आता था सर, हाँ आधी चीज बताते थे आधी छुपा देते थे, हाँ क्लियर नहीं हो पाता था सर। अच्छा, यहाँ के जो वीडियो देख रहे हो उसमें सब क्लियर हो गया, और यहाँ आया तो जो पॉइंट जो माइंड में जो चल रहे थे वो भी सब क्लियर हो क्लियर हो गया। गए यहाँ पर। जी सर। तो क्या बताइए कि यहाँ पर आपने क्या क्या काम किया है ये बताइए। मैं ओनर का कर रहा हूँ सर अभी। अभी ओनर का सेट कर रहे हैं? जी सर। क्या फॉल्ट आया था, ये किसका फोन है, ये क्या फॉल्ट आया था, थोड़ा सर प्रॉपर बताइए। डाटा इंक्रिप्शन आता है सर, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी सर, इसको एमएमसी निकाल के सर इसके प्रोग्रामिंग करके फिर से लगा रहा हूँ। दूसरा एमएमसी लगा रहे हैं? इसमें कौन सा ईएमसी लगा हुआ है? संदीप का लगा हुआ था, हम सैमसंग का लगा रहे हैं। सैमसंग का लगा रहे हैं तो ये पूरा आप करेंगे? जी सर। तो इसकी पूरी नॉलेज मिल चुकी है मतलब आपको, बिल्कुल इसको यूएफआई से भी कर सकते हो, जेटेक से भी कर सकते हो, दोनों दोनों से कर सकते सकते हो।
ठीक है, थैंक यू। सो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? अकरम खान। अकरम खान, आप कहाँ से हैं? सागर दिल्ली। सागर से हैं आप, जो एमपी सागर है ना? जी, जी। सो अकरम, आप ये बताओ, कितने टाइम से काम कर रहे हो इस मार्केट में? चार पाँच साल से। और क्या चीज लैक हो रही थी आप में कि आप यहाँ आपने सोचा कि एएमसी ज्वाइन करते? सर मैं आपकी वीडियो देख के सोचता था कि लाइफ में कुछ नहीं, बहुत कुछ मिस हो रहा है सर। हाँ, ये बात इसलिए सोच के मैं सोचा मैं आपके साथ आया। अच्छा, तो अभी क्या लगता है, अब आपको पहले के अक्रम में और अब के अक्रम में कितना फर्क है जब आप यहाँ आए थे? बहुत फर्क हो गया है। अच्छा, अब ये नहीं लगता है कि यही अगर हम बहुत पहले आ जाते हैं, चार साल या एक साल में, तो हम कितना अपडेट हो जाते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत कुछ कर लिया है ना, नॉलेज हो गया होता। अभी तो हमारा नॉलेज बहुत होता है मार्केट में, बहुत अच्छा नाम कर लेते हैं। तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। चलिए ठीक है, ये कुछ काम कर रहे हैं अभी बताएंगे, क्या बता रहे हैं अक्रम? ओप्पो A3s के बारे में बताएंगे। ओप्पो A3s वो जो ISP पिन आउट से डेड हो गया है। सो अच्छा, ये ISP पिन आउट से डेड होने का जो रीजन है वो आपको पता है ना? तो अपन से तो डेड नहीं होगा ना? नहीं, और डेड हो भी गया तो अपन उसको बना सकते हैं ना? हाँ, उसको फ्लैशिंग करने की तो जरूरत नहीं है ना? नहीं, क्योंकि नॉर्मल लोग फ्लैशिंग करते हैं उसको ऑनलाइन पे लेके, बट वो होता नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे सारे को स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? कृष्णा पटनायक। कहाँ से आप? बंगाल से। आप ये बताएं कि आपने एसर टेलीकॉम को क्यों चुना? एसर टेलीकॉम के वीडियो में जो प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा तो मैं शायद बहुत कुछ मिस कर जाऊंगा, तो इसलिए आए। तो आपने जब यहाँ आए तो शुरुआत में क्या महसूस किया और अब क्या महसूस कर? सर ट्रिक इतने सारे, मिलन सर इतने ट्रिक इतने आसान है कि आप मतलब बहुत आसान जल्दी सीख जाओ। अच्छा, बहुत जल्दी सर, मतलब मैं हरदम ही सोचता हूँ कि इतनी छोटी छोटी कितनी आसान से समझ में आ जाती है कि सर कितना अच्छा से बता, रिबॉलिंग हुआ वो सर जिस दिन आए 5-10 मिनट में रिबॉलिंग बता दी आप लोग, आधे घंटे के अंदर रिबॉलिंग सीख चुके थे, रिबॉलिंग सीख चुके थे। और बहुत सारे सर ट्रिक है जो बिना यहाँ आए आप नहीं मिस कर जाओगे। हाँ, मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि ये प्रॉपर तरीका होता है ट्रेनिंग का और सही तरीका सही जगह पे बेसिक है, आपको जानना चाहिए एएमसी ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे सब कुछ है। हाँ, और वो बिना जाने अगर हम करते तो ये हमारे लिए आगे दिक्कत ही करता, खराबी करता, खराब कर। और ऊपर फिर हर फिर वो होता है ना कि हर चीज में सोल्यूशन चाहिए, और वो सोल्यूशन बेसिक्स में भी चाहिए आपको। तो आप क्या कर रहे हो, क्या है? रेडमी 2 का है, लो हैंग एंड लोगो आ गया था, तो मैंने एक IC उठाई है, इसको प्रोग्रामिंग किया, अब इसको बैठाने वाला हूँ रिबॉलिंग करके। तो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज आप जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात करूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है
वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ये कैसा भी हो रहा था फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है जाओ सब कुछ बना लोगे अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करते मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी ये नहीं बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोलते हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चुना जाए, तो मैंने फिर मैंने नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में पढ़ सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है हाँ कुछ कर सकते हैं अपन, हमारा भी पहला दिन था सर हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगे इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amongst 1001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.